जी देखो, एक चीज तो हमें ये समझना पड़ेगी कि हमें सभी लोगों को साथ में लेना है हाँ जी जी और सभी वर्गों के लोगों को लेना है, जी राइट। उसमें किसान भी होंगे, उसमें मजदूर भी होंगे, उसमें व्यापारी भी होंगे, वकील भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, गौ सेवक भी होंगे, सभी को साथ में लेना है, राइट। जी 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 अब दूसरी बात उसमें ये अपन को बहुत जोर से समझना होगी कि जी जो सबसे कमजोर, डरा और सताया हुआ व्यक्ति है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल चंद्रगुप्त वन के ताज अपने सिर पर रखेगा, वो आपकी बड़ी ताकत नहीं है। ताकत है डरा, सहमा, घबराया हुआ, सताया हुआ व्यक्ति। लिहाजा क्या हम डरे हुए, सताए हुए, घबराए हुए व्यक्ति को अपराध मुक्त भारत मिशन के सदस्य की शपथ दिला सकते हैं क्या? जी ये मतलब अपन को चंद्रगुप्त से ज्यादा सदस्य, जैसे मान लो भीड़ है तो चंद्रगुप्त उसमें कितने होंगे? 25 होंगे। उस जी भीड़ में बाकी तो सदस्य होंगे, राइट। सदस्य तो हमें सदस्यों को भी कल्टीवेट करना है, क्योंकि जी देखो जी यदि सभी सदस्य एक साथ जुड़ जाएंगे और अपने परिवार के लोगों को जोड़ेंगे, अपने ही रिश्तेदारों को, मित्रों को, पड़ोसियों को जोड़ेंगे, तो ऐसी चैन बन जाएगी कि जिसका कोई मुकाबला नहीं होगा। अब उसको गति जी देने का काम जो है वो चंद्रगुप्त करेंगे। मैं अभी 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 आज को आपकी जानकारी बता दूं कि आज दोपहर ये जो जनहित पार्टी बनाई है ना, इन्होंने संघ के कुछ लोगों ने नाराज होकर आपके हाँ इनसे भी, इनके जो प्रमुख अभय जैन, इनसे आज दोपहर में चर्चा हुई मेरी, हाँ हाँ उनको भी मैंने ये जानकारी दी, आपके बारे में भी दी है, तो वो बोलने लगे यार इतनी जल्दी कैसे क्या होगा। मैंने कहा देखिए, एक या दो दिन के बाद में जैसे श्राद्ध पक्ष खत्म होगा, मैंने कहा नवरात्रि के अंदर ही, मैंने कहा जितने भी ये पांच सात दल है, और आपके बारे में बताया मैंने, मैंने कहा इनके प्रमुखों को अपन इंदौर में इकट्ठा करेंगे, आप आइए और अपनी बात रखिए, आपको समझ में आए तो ये संयुक्त जो मोर्चा रहेगा, जो भी नाम इसका अपन फाइनल कर देंगे, वो भारतीय आपका महागठबंधन का भी मैंने बताया, तो मैंने कहा आप सब अपराध अपने अपने मुक्त भारत हाँ मिशन महागठबंधन, बस ये उसको देखिए। क्योंकि देखिए, हाँ अपराध मुक्त भारत मिशन में 21 लक्ष्य हैं, जिसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी का कोई लक्ष्य छूटा होगा। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल मतलब यदि बिल्कुल आपने उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा होगा तो आपने अनुमान लगाया होगा कि उसमें मॉडल्स भी रेडी हैं, टेक्नोलॉजी भी रेडी है, और वो एक आमूल चूल परिवर्तन है जो केवल समृद्धि के पीछे नहीं पड़ा हुआ है, वो प्रकृति को भी ठीक कर देगा, वो आपकी जनसंख्या का नियंत्रण भी कर रहा है। हाँ अब इसमें क्या मामला होता है, जैसे ये सब लोगों को बुला रहे हैं ना सब, तो हाँ अपन क्या करेंगे इसमें कि सब अपनी अपनी बात रखें, और फिर जिसपे सहमति बन जाए है ना, और फिर उसके बाद उसको अपन डिक्लेयर कर देंगे, तो जब आपकी बात यदि मान लो कि बहुत अच्छी है, तो लगभग आदमी इसको स्वीकार करेगा ही कि यार भैया एक सामूहिक एक जो घोषणा पत्र रहेगा, हमको जनता के बीच जाना है, और फिर इसमें मेन जो अपनी एक टेगलाइन क्या रहेगी, किस चीज को लेकर उतरेंगे, तो वो कहीं ना कहीं सहमति बन जाएगी, और सहमति बन गई तो तत्काल फिर अपन इसी बीच में भी क्या होने वाला है, कल मेरे ख्याल से अमावस्या के बाद में बची कुची लिस्टें जारी हो जाएंगी सोम मंगल तक, दूसरे दलों की भी। इसमें बड़े पैमाने पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे भी हैं, और जिनको जिनकी उपेक्षा दोनों पार्टियां करती हैं, जो कुछ करना चाहते हैं वास्तव में, पर क्योंकि वो धन से कमजोर हैं और छल बल जानते नहीं, तो ऐसे लोगों को ऐसी पार्टी टिकट भी नहीं देती, इनको तो चाहिए एकदम बाहुबली या धन बली, तो उन लोगों पे भी अपनी निगाह है, और एक बड़ा समूह अपन तैयार कर पाएंगे नवरात्रि के अंदर, और कई लोगों बिल्कुल से अपन नामांकन भरवाएंगे, और एक ये पूरा आकार अपना जो है मेरा जी एक मानना ये है कि नामांकन उन्हें अर्न करने दिया जाए। एक तो होता हाँ है कि बिना मेहनत के भैया मुझे टिकट दे दो, मैं बहुत पॉपुलर हाँ हूँ। हाँ दूसरा हाँ होता है कि संगोष्ठियां करो, चाहे 5 दिन मिल रहे हो आपको, जैसे अपन ने हाँ डेडलाइन तय की के साथ 21 की बजाय हम 25 को फाइनल करेंगे, राइट। हाँ हाँ तो हाँ हाँ जो भी अपन कट ऑफ दें, डेट दें, उसमें आप लोगों को जोड़ के दिखाओ ना। बिल्कुल 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 मतलब यदि आप जो है जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा, उसके आधार हाँ पर अपन मेरिट लिस्ट बना के उसको जो है जी टिकट देंगे, उससे क्या जी फायदा है? नहीं तो लोग बाग जो दावेदारी करके टिकट ले लेते हैं, उनके प्रयास उतने होते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल दूसरी बात है कि इसमें आपके जितने सारे चंद्रगुप्त बनेंगे, देखिए नामांकन तो जो मेरिट लिस्ट में आएगा उसका होगा,
लेकिन चंद्रगुप्त तो उससे जो है ना 100 गुना ज्यादा होंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल होंगे। मतलब जैसे मेरिट में जो आया वो तो उसको टिकट मिल गया, राइट, उसने जो है ना नामांकन भर दिया, लेकिन चंद्रगुप्त की संख्या उनसे 1000 गुना होगी, तो वो हाँ हाँ चंद्रगुप्त जो है दो दो संगोष्ठियां लेंगे तो आपको प्रचारकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे मुझे लगता है कि आपने क्राइम फ्री भारत का यूट्यूब चैनल क्या सब्सक्राइब कर दिया है, तो नहीं, अभी नहीं कर पाया मैं। उसको जरूर करिए। नहीं नहीं सॉरी और सॉरी सॉरी सॉरी, कर दिया कर दिया कर कर दिया दिया, है, हाँ कर दिया और कर दिया। उसमें जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उसको वैसे ही पब्लिक के बीच में कि डीजी साहब का जो है ना जरा सुनिए हमें कैसे बदलाव करना है। मैंने आपके दो सुने भी हैं, उसमें पत्रकार जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं हाँ हाँ वो सुना है मैंने। अच्छा, हाँ, और चूंकि उसमें समय जो भी भी आपको कितना, अच्छा लग रहा है ना हाँ, उसको जो है ना चला दीजिए, लेट पब्लिक शुड लिसन, राइट, जी जी और जी उसके जी बाद अपन जो है ना वार्तालाप करें। और यदि जरूरत बिल्कुल है तो देखो एक्चुअली में हमें देखिए, हम तो ज्यादा जगह जा नहीं पाओगे, समय कम है, बहुत तो समय कम यदि है। आपके चंद्रगुप्त जो है ना वहां लोगों को इकट्ठा कर देते हैं, आपके एक दो वीडियो सुना के एक माहौल पैदा कर देते हैं और फिर उनके जवाब देने के लिए आप पहुंचते हैं, तो गति बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल देखो इसमें हमें दोनों चीजों को लाना पड़ेगा, और हमारे इसमें प्रचारक उनके ही बीच के लोग बन गए ना। चंद्रगुप्त जो है ना हम अपनी जेब में रख के तो ला नहीं रहे हैं, नहीं ला रहे हैं। चंद्रगुप्त उन्हीं के बीच का व्यक्ति है जो प्रण ले रहा है कि मैं दो संगोष्ठियां लूंगा, नंबर वन। और दूसरा जैसे जो सदस्य है वो भी आपका साथी बन गया है, हाँ अभी आप उसको एक मतदाता कह रहे हो, मतदाता का काम केवल मत दे दे बस बात खत्म हो गई, नो, यहाँ पे वो हाँ आपका सदस्य है, यहाँ वो आपका पार्टनर है, वो 21 लक्षणों में लगातार। अच्छा दूसरी बात है, नॉट ओनली दैट, जब आप नियम कानून ला रहे हैं तो चंद्रगुप्त उसे डिसाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब विधायक सांसद डिसाइड नहीं कर रहे हैं, पहले जो बड़ा बना हुआ मॉडल एक्सपर्ट्स के पास जा रहा है, एक्सपर्ट्स की चर्चा हो रही है, फिर पब्लिक में जा रहा है, फिर तीसरी स्टेज में वो चंद्रगुप्त में आ रहा है। अभी उल्टा क्या हो रहा है, कौन ला रहा है, नोबडी नोज, राइट, वो सीधे जो है ना पार्लियामेंट में आ गया, पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं हो रही है, पार्टी लाइन पे थोड़ा बहुत नुक्ता चूनी रस्सा कसी कर लिया और वो पास हो गया। हो गया कि नहीं, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल ही हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो वेयर द इन्वॉल्वमेंट, यहां तो वो पहले सदस्यों के पास जाएगा, मतलब सबसे पहले एक्सपर्ट के पास जाएगा जिससे एक्सपर्ट लेवल पे जो रिफाइनमेंट है वो हो जाए, राइट, फिर जो है पब्लिक से 45 दिन का डिस्कोर्स है, फिर 15 दिन का डिस्कोर्स जो है ना चंद्रगुप्तों के साथ है, और वो भी पार्लियामेंट के बाहर अंदर नहीं, और फिर फाइनल फुल ड्रेस रिहर्सल जो के बाद जो है फाइनल शो जो है वो पार्लियामेंट के अंदर होगा। तो आप बताइए यदि किसी की नियत थोड़ी बहुत गड़बड़ सड़बड़ भी है तो वो गड़बड़ करने की स्थिति में रह जाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, नहीं नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि देखो बहुत सारे लोग जो है उनका सोच और चिंतन और राजनीतिक एक्सपीरियंस जो है वो आज के सिस्टम का है। जी यदि आप आज के सिस्टम से चलोगे तो जनता जैसा दूसरा पार्टियां कर रही हैं आपसे वैसी अपेक्षा करेगी कि नहीं करेगी, आपसे बिल्कुल फ्री वी की अपेक्षा करेगी, आपसे इसकी अपेक्षा करेगी, आपकी उसकी अपेक्षा करेगी। हम उसका उल्टा कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कोई फ्री वी नहीं होगी, समृद्धि देंगे हम आपको गारंटी के साथ, जैसे कह रहे हैं किसानों की आमदनी 5 गुना कर देंगे, फ्री में कुछ नहीं है, बात समझ रहे हैं ना। आपका जो है फर्टिलाइजर केमिकल्स जो अभी पेस्टिसाइड केमिकल से हैं वो विलुप्त हो जाएंगे, और बिल्कुल उसको किसान जो है ना जीवामृत घनामृत नहीं बनाएगा, उसमें जो प्रोफेशनल बॉडी बनाएंगे और आपके यहाँ डाल देंगी, और पेमेंट किसान को नहीं करना है, पेमेंट उसके डेबिट अकाउंट से हो जाएगा, राइट। बिल्कुल बिल्कुल जब जो बिल्कुल है फाइनल एंड पर जो है ना भुगतान जब उसका होगा, जब कंज्यूमर के मुंह में जाएगा, तो उस भुगतान से जो एडिशनल 2 to 3 MSP मिलेगा उससे जो है ना ये अकाउंट सेटल होगा, और बिल्कुल खेतों में बिल्कुल करोड़ों का काम होगा। आज आज निजी व्यक्ति को जो है ना कुछ काम कराना है तो फिर वो जो है ना बैंक से लोन ले, ये करे वो करे, इसमें कोई लोन वोन नहीं है। तो एक समृद्धि का मॉडल है जो मुझे लगता है कि आज वर्तमान के सो कॉल्ड एक्सपीरियंस राजनेता हैं वो उनके चिंतन और सोच और अनुभव का तीनों का हिस्सा नहीं होगा।
जो ये कहते हैं कि साहब हमको इतने समय का राजनीतिक अनुभव है, तो उनको इन घटिया चीजों का ही तो अनुभव कहलाया ना। आज की राजनीति क्या है, घटिया है कि नहीं है? बहुत बहुत घटिया। तो वो अनुभव होना ना होना अच्छा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल गलत। देखिए अपन उसमें चर्चा कर रहे थे तो देव सिंह जी ने यही कहा कि आपने तो जो है राजनेताओं को दुष्ट कहा। तो हमने कहा नहीं, हमारे लोग जो साथ में होंगे हम उन्हें राजनेता नहीं कहेंगे, हम उन्हें राष्ट्रनेता कहेंगे। बिल्कुल। और वो जो बात करेंगे वो राष्ट्रहित की बात करेंगे। तो ये बड़ी चीज है। 1991 से मैंने कुछ ऐसा दिमाग मतलब जो आया था ना कि कोई चीज कभी कभी शंका होती है, फिर मैंने उसकी पुष्टि करी। 1991 से खेल चल रहा संसद में कि अध्यादेश के द्वारा चीजें ला दी जा रही है, बहस करना कानून बनाना दूर की बात है, और उसमें विपक्ष वॉकआउट करता है। आज भी वही चल रहा है, कुछ चीजें अध्यादेश से आ रही है और विपक्ष वॉकआउट कर जाता है किसी बहाने से, और वो चीजें कानून बन के कब लागू हो जाती पता ही नहीं चलता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आप वॉकआउट क्यों करोगे, आप अपनी बहस करो ना पूरा। हाँ नहीं नहीं इस समय मिली जुले खेल बता रहा हूँ इनके में। हाँ मिला जुला खेल है, मिला जुला खेल है। एक्चुअली में दोनों को जो है ना कंट्रोल कोई थर्ड पार्टी कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी कर रहा है बिल्कुल। तो बिल्कुल। वो जो है जो सत्ता में है उसको भी कंट्रोल कर रहा है, वो उसमें है उसमें भी कंट्रोल कर रहा है, मुद्दे पे बातें नहीं हो रही हैं। यदि आप क्राइम फ्री भारत में देखेंगे तो जो सत्ता का जो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, उनको वोटिंग राइट नहीं होगा। जी जी। वो जो है पार्लियामेंट में आएंगे दो काम के लिए, एक तो लोगों के प्रश्नों के जवाब देने के लिए, राइट, और दूसरा उनका काम रहेगा कि जो कानून के ड्राफ्ट के कई सोर्स होंगे, एक सोर्स जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी होगा, मतलब पब्लिक से सीधे भी आ सकता है। फिर जो स्क्रीन करके जो है ना, मतलब जो एमएलए एमपी नहीं है उसके बिना भी आ सकता है, इट प्रपोज बाय द पब्लिक। तो इस तीन तरीके के सोर्स होंगे, एक हो गया है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दूसरा जो है आपके एमएलए एमपी, तीसरा आम पब्लिक, राइट। वो ड्राफ्ट देगी, फिर उस पर बहस होगी और उस पर वो किया जाएगा। तो हमारा क्वालिटी ऑफ डिलीवरेशन बहुत हाई हो जाएगा। और यदि हम सब चीजें पार्लियामेंट के बाहर कर रहे हैं और पार्टी व्हिप होगी नहीं बल्कि वोटिंग पावर भी नहीं होगा, तो आप किसी चीज को तभी पास करा पाएंगे ना जब उसमें अंदर से ताकत होगी। जी हाँ जी हाँ। दादागिरी से आप कुछ कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे जी। हाँ नहीं कर पाएंगे। तो बस यही बात है। तो मुझे लगा कि मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाऊं कि समय बहुत कम अपने को मिला है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को जो है इस मॉडल के तहत यदि हम खड़ा नहीं कर पाएंगे तो फिर वही होगा जो कमलेश त्रिपाठी जी, कमलेश त्रिपाठी जी ये कह रहे थे ना कि साहब वो कह रहे हैं कि हम हमको पैसा कितना दोगे। तो यहाँ पैसा वैसा तो पैसा तो छोड़िए, उल्टा आपको लोगों को जोड़ने का वो कवायद करना पड़ेगी। ये कमलेश जी से मेरी बात 8-10 दिन पहले हुई थी। हाँ तो अभी डिटेल तो अपन आमने सामने बैठेंगे जब करेंगे, और ये जो प्रक्रिया है ना ये ठीक है, चुनाव सामने सर पे अपन इसको तो फेस करेंगे अभी, लेकिन ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये जो लोकसभा में भी ये तो एक बार स्टार्ट हो गई तो हाँ। फिर ये थमेगी नहीं, ये चलती ही रहेगी, क्योंकि इसी प्रक्रिया से वो पंच सरपंच भी निकलेंगे फिर। हाँ, हाँ, अकेले विधायक और एमपी पे नहीं थमने वाली है ये बाकी पंच सरपंच भी इसी प्रक्रिया से निकल के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत पावरफुल चीज होगी। और देखो इसी के माध्यम से हम गुलामों के नियम कानून बदल पाएंगे, अदरवाइज आपको कोई ये चर्चा करते दिख रहा है? मुझे तो कोई बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति ये बात ही कहते नहीं दिख रहा है कि हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। ये बात आपको मेरे ख्याल से इस शिद्दत से कहते हुए मुझे तो कोई नहीं दिखा अब तक। आई डोंट नो आपको है। राजीव राजीव दीक्षित जी थे, वो तब बचे नहीं दुनिया में, वो करते थे इसको काम को बहुत बढ़िया तरीके से। उनका सोच और चिंतन भी स्वदेशी तक सीमित था। उन्होंने जो है इस मैंने उनके सभी वीडियोस सुने हैं, उन्होंने इतनी गहराई से इस एस्पेक्ट पे बहुत जोर नहीं दिया। जैसे हम इसमें कह रहे हैं कि अपराध मुक्त भारत में बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, और यदि आपने गलत यदि एफआईआर की तो आप जेल में सड़ेंगे।
क्योंकि ये जेल में सड़ना वाला पॉइंट मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि हाँ कुछ हाँ दुष्ट लोग जो है ना वो झूठी एफआईआर कराते हैं, कराते हैं ना, बिल्कुल कराते हैं। और फिर जो है अकाट साक्ष्यों के साथ वो हो, तो शायद राजीव दीक्षित जी का चूंकि पुलिस का अनुभव नहीं था इसलिए हाँ शायद हाँ वो इन तरफ उनका ध्यान नहीं गया। नहीं नहीं था। अच्छा, दूसरी बात, वो चूंकि शासकीय सेवा से नहीं थे तो वो शायद उस बात को भी उनको वैसे कहना तो चाहिए था कि ये पूरी व्यवस्था पारदर्शी अकाउंटेबल हो जाएगी, और यदि गलत निर्णय लेती है तो उसे खामियाजा देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना होगा। बात मेरी समझ रहे हैं ना कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत दृढ़ता से और बहुत फास्ट काम करना होगा, और हमारे आने का इंतजार नहीं होना चाहिए। चंद्रगुप्त अपनी मीटिंग करना चालू कर दें और उनके पास इतने सारे वीडियोज हैं, जो उनको अच्छा लगे उसको लेके आगे बढ़े। बिल्कुल, और जब वो कहेंगे तब मैं लाइव उनसे जुड़ जाऊंगा। हाँ जी, तो सब आप भी लाइव जुड़ गए, हम भी लाइव जुड़ गए, जो 5-6-8 लोग वो हैं तो हर चर्चा में आ गए, और उनको उनका जो है ना उसमें एक शपथ लेने का कार्यक्रम भी हो रहा है, क्वेश्चन पूछने का भी कार्यक्रम हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है किसी की जेब से पैसा खर्च नहीं हो रहा है ना, आपको कोई निकलना नहीं पड़ रहा है। अब ये देखिए इन लोगों के जो मंडल मंडप बनते हैं बड़े बड़े जो है वो देखिए कितना पैसा खर्च हो रहा है, सब जगह होर्डिंग्स लग रही हैं, सब जगह ये लग रहा है, सब जगह वो लग रहा है, करोड़ों में पैसा खर्च हो रहा है लोगों को जो है। तो खाली एक दिन में उनका 2-3 करोड़ रुपया खर्च हुआ था खाली उनकी ब्रांडिंग को, उनके नाम रखने के हिसाब से। अभी 20-25 दिन पुरानी बात है, ज्यादा इंदौर आए थे। तो मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है, यदि आम पब्लिक खुद कैरियर बन जाए तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि दे विल नॉट बी मतदाता, दे आर द मेंबर्स एंड पार्टनर्स। बस केवल फर्क इतना है कि कुछ लोग जो है पर्दे के आगे आके जना और एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, कुछ थोड़े से सिकुड़े हुए हैं, वो अपने परिवार के ही लोगों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास को जो है ना हैंडल कर ले रहे हैं, कुछ लोग जरा और एग्रेसिवली कर रहे हैं, और जो ज्यादा एग्रेसिवली करेगा उसको जो मेरिट लिस्ट पे आएंगे नंबरों के आधार पर उसको टिकट मिले। और मुझे लगता है कि यदि हमने सही ढंग से अपील की तो एक बड़ा पारदर्शी तरीका होगा, और यदि मान लो कोई मेहनत नहीं कर पाया, कम नंबर मिले, तो उसे ग्रज करने का कोई कारण भी नहीं बनता है। जी हाँ जी हाँ जी। यदि अज्यूम करिए आपने मेहनत नहीं की, सामने वाले ने लोगों को जोड़कर जितना भी समय आपको मिल रहा है उतना समय सबको मिल रहा है, तो वो यदि आपने नहीं जोड़ा उसने जोड़ा तो उसको फायदा मिलेगा, है कि नहीं? तो मैं सुनील जी आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको शीघ्रता दें, क्योंकि समय कम है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको स्पष्ट बता रहा हूँ मैं कि लगभग ये मामला सोमवार से एकदम फाइनल मोमेंट पे आ जाएगा। कल और परसों के 2 दिन के ये कार्यक्रम रहते हैं ना, कल सब समावेश है तो लोग बिल्कुल सब उसमें रहेंगे, और परसों नवरात्रि स्थापना 12-1 बजे बाद, परसों के बाद रविवार के बाद में ये मामला और जोर पकड़ेगा, और अपन इसको मंगलवार सोमवार मंगलवार बुधवार तक ये मामला पिकअप पे आ जाएगा। ठीक है, निश्चित है ना? ठीक है ना जी? ठीक है ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ाना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, बातचीत होगी, बिल्कुल होगी, मैं लगातार चर्चा में कर लगा हूँ मैं। चलिए चलिए, ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।